सब्सक्राइब कीजिए टेक हेल्प विद काशिफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखें। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से अपने एंड्रॉयड डिवाइस से अपने आईफोन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से अपने आईफोन के अंदर आसानी से डाटा ट्रांसफ़र कर सकोगे, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, ये देखिए मेरा एंड्रॉयड डिवाइस है और ये मेरा आईफोन 6 है। सो यहाँ पर मैं आपको इस फ़ोन से इस फ़ोन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है दोनों फ़ोनों के अंदर, जिसका नाम है ज़ेपिया ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर दोनों पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आपको दोनों फ़ोनों के अंदर वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद गाइस, आपको ज़ेपिया दोनों फ़ोनों के अंदर ओपन कर लेनी है। सो गाइस, ये देखिए ज़ेपिया को आपको ओपन कर लेना है दोनों फ़ोनों के अंदर। उसके बाद गाइस, जैसे ये ओपन हो जाएगी, आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस इसमें देखने को मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको कोई भी सॉन्ग यहाँ पर इस फ़ोन से इस फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिखाऊँगा। तो कैसे करना है, तो यहाँ पर ये देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ से हमें सेंड करनी है, इसके अंदर रिसीव करनी है। उसके बाद स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप स्किप पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशंस, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, फाइल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटो यहाँ पर सेंड कर दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए मैं इस फ़ोटो को सेंड करना चाहता हूँ इस फ़ोन के अंदर, तो कैसे करनी है, सेंड पर क्लिक कर देना है, एलाओ परमिशन दे देनी है, फिर से एलाओ परमिशन दे देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर QR कोड मिलेगा, ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा QR कोड, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक कोड मिलेगा, ये देखिए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपको एक स्कैन कोड मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर स्कैन कोड को ऑन करना है और यहाँ पर इसे स्कैन कर देना है। उसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है और आपको अपनी वाईफाई के अंदर चले जाना है। सेटिंग का अंदर जाकर वाईफाई के अंदर आओगे तो आपको एक इस तरीके की वाईफाई देखने को मिल जाएगी, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वाईफाई एड्रेस, वही सेम है वाईफाई एड्रेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक पासवर्ड मिलेगा। तो आपको पासवर्ड क्या लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, पासवर्ड यहाँ पर ये मिल जाएगा आपको देखने को। तो यहाँ पर यही पासवर्ड आपको डाल लेना है, जैसे कि अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, और जो अगर सिंपल में है सिंपल में आपको डाल लेना है। तो यहाँ पर जैसे भी आपको ये मिलेगा, इस तरीके से आपको ये यहाँ पर डाल देना है। तो मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा पासवर्ड डाल चुका है और यहाँ पर आपको करना है ज्वाइन। तो यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं। सो गाइस, ये हो गया हमारा ज्वाइन और ये हमारी वाईफाई हो गई कनेक्ट। अब आ जाते हैं अपनी ज़ेपिया के अंदर। सो इतना करते हुए जैसे ये करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट हो जाएगा और अब आप यहाँ से कुछ भी सेंड कर सकते हो। तो मान लीजिए मुझे फ़ोटो सेंड करनी है, ये फ़ोटो पर क्लिक कर आपको सेंड कर देनी है, तो ये सेंड हो जाएगी और ये आ जाएगी, ये देखिए गाइस। सो गाइस, ये देखिए यहाँ पर फाइनली मेरी वो फ़ोटो जो मैंने ज़ेपिया से अभी सेंड की है वो डायरेक्टली यहाँ पर आ गई है। और आपने देखा भी होगा कि यहाँ पर मैंने फ़ोटो सेंड की थी और यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से आप आसानी से आईफोन से एंड्रॉयड और एंड्रॉयड से आईफोन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।